बाबा जी, मैंने सारी जिंदगी आसान रास्ते अपनाए, जो कदम उठाए वो गलत निकले, पर मेरी बहन ने, उसने आपका क्या दिल दुखा दिया जो आपने उसकी जिंदगी में इतने आंसू भर दिए। सारी जिंदगी इतने दुखों का बोझ कैसे उठाएगी। मैं तेरे दिल के दर्द को समझ सकता हूं पुत्र, पर तू चिंता मत कर, हमने ताउम्र अपनी लाडो को उस घर में नहीं छोड़ना है। आज मौका सही नहीं है, पर बहुत जल्द हम अपनी लाडो को इस घर में वापस ले आएंगे। नहीं नहीं पापा जी, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं कि हीर के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर अब वो उस घर की बहू है और मम्मी जी भी कहती है ना, लड़की की शादी हो जाती है तो वो पराई हो जाती है। मेरी एक बात का जवाब दो आप बाबा जी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप जस को मायके भेज दोगे, घर से निकाल दोगे उसे? गुरमीत, इस घर में मेरा जो रिश्ता है ना, उसे बनाने में मुझे सालों लग गए, और वहां पहले ही दिन हमारी हीर अकेली हो गई। तू ही बता मुझे, बोल अब कुलदीप के बिना वो उस घर में अपने रिश्ते कैसे कायम करेगी, बता मुझे। अरे यही प्रॉब्लम है तुम औरतों की, हर चीज दिल से सोचते हो, दिमाग से कुछ नहीं सोचते हो, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं सोचते हो। पापा जी मेरी तरफ देखो, आप मुझे जवाब दो। आप सवाल ही नहीं उठता। जस मेरी बहू से पहले मेरी बेटी है, ये घर उसका है। बस यही तो कहना चाह रहा हूं पापा जी, हीर अब उस घर की बेटी हो गई है, वो घर उसका है। यही तो रीत है ना पापा जी समाज की। अपनी लाडो के लिए मुझे रब के खिलाफ भी जाना पड़ेगा ना, तो मैं चला जाऊंगा। समाज क्या चीज है पुत्र, कभी सोचा है? मेरी लाडो वहां किस हाल में होगी, मेरी लाडो को कितने ताने सुनने को मिल रहे होंगे, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। अपनी लाडो को अपने घर में लाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। दर्द बर्दाश्त करने के लिए भी तो ताकत की जरूरत होती है ना हीर। खाले बच्चे तो होने वाले ही खाले, प्लीज। हीर, कुलदीप अगर तुझे इस हालत में देखता तो अच्छा लगता उसे, कैसा फील करता वो, क्या बीतती उस पर अगर वो अपनी हीर को इस हालत में देखता। भाभी क्या आपने कुछ खाया? हमारी भूख, हमारी प्यास सब कुलदीप लेके चला गया। दर्द बर्दाश्त करने के लिए ताकत चाहिए होती है ना भाभी। हीर,
हीर, हौसला मत हारना, अपने पे भरोसा रखना। भाभी, मैंने हमेशा कोशिश की है, गुरु ने सिखाए हुए रास्ते पर चलो, फिर भी मेरे हिस्से में ही इम्तिहान क्यों? पापा जी कहते हैं, न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा रब, इम्तिहान भी लेता है और हारने भी नहीं देता। तो बस तुझे बाबा जी के इंसाफ पे भरोसा रखना होगा। अगर वो तेरा इम्तिहान ले रहे हैं ना, तो तुझे जीतने की ताकत भी वही देंगे। इसलिए हिम्मत नहीं हारना, अपने पे भरोसा रखना। आप सही कह रहे हो भाभी, मैं हार नहीं मानूंगी। इस घर में रुकने का एक ही मकसद है, कुलदीप के कातिल को पकड़ के उसे सजा दिलवाना। और जब तक मैं ऐसा कर नहीं लेती, मैं चैन की सांस ले नहीं पाऊंगी। बाबा जी, मुझे आपका ये इम्तिहान कबूल है, बस इस इम्तिहान में जीतने के लिए आप ही को मुझे ताकत देनी होगी। और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं है, तब भी अकेली मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। वो जो कोई भी हो, उसे मेरा सुहाग उजाड़ने की कीमत चुकानी होगी। तो मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था वीरे, अपना हीरो। याद है, सबसे पहले मैंने तुझी को बताया था कि मुझे हीर से प्यार हो गया है। फिर तूने मुझसे मेरे प्यार के साथ जिंदगी बिताने का मौका क्यों छीन लिया वीरे? लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी जान तेरे हाथों जाएगी। मुझे माफ कर दे वीरे, मुझे माफ कर दे। जो भी हुआ अनजाने में हुआ, अरे तुझे मैं सपने में थप्पड़ तक नहीं मार सकता यार। गोली मारना तो बहुत दूर की बात है, इससे भी बदतर सजा मिलनी चाहिए मुझे, और इससे भी गहरे जख्म मेरे शरीर पर होने चाहिए। लेकिन मुझसे भी ज्यादा दर्द की हकदार वो लड़की हीर है। उसकी वजह से खोया है मैंने तुझे, तेरी मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे वीरे। बहुत जल्द उसे मौत के घाट उतार दूंगा।
दर्जे का कॉल। पापा जी। पुत्र। फोन स्पीकर से करूं मैं। कैसी है पुत्र? मेरी चिंता ना करो, बहुत हिम्मत है आपकी बेटी में, इस तूफान में भी डट के खड़ी रहेगी। कमजोर नहीं पड़ूंगी मैं। जानता हूं मैं अपनी लाडो को, पर पापा जी को लाडो की फिक्र तो होगी ना। अच्छा ये बता, तूने कुछ खाया कि नहीं? नहीं पापा जी, तेजी भाभी है ना, तेजी भाभी ने खिलाया मुझे, ऐसे संभाल रही है मुझे जैसे कि मैं उनकी सगी बहन हूँ। मुश्किल वक्त में जो हाथ थाम लेना बेटा, वो फरिश्ता होता है, रब उसकी सारी मुरादें पूरी करे। पापा जी, हीर, तेरी बहुत फिक्र हो रही है हम सबको, लेकिन तेनु पता है, मेरे दिल को ना पूरा यकीन है कि जिंदगी तेरे सामने कैसी भी चुनौतियां क्यों ना खड़ी करते, लेकिन मेरी हीर उसका डट के सामना करेगी। तू सुन रही है ना हीर? उल्लिया दे। हीर, कैसी है तू? यार तुझे बता नहीं सकता मैं, मेरे दिल को कितना बड़ा धक्का पहुंचा है। पर तूने ना बड़ा अच्छा फैसला किया उस घर में रहने का। वो घर तेरा है, तो उस घर की बहू है, अब तेरे सारे फर्ज उस घर के लिए हैं जो तुझे निभाने हैं। हमसे मिलने आते रहना, हाँ भूल ना जाना। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं पुत्र। नवजोत, तेरी बड़ी ख्वाहिश थी ना कि हमारी लाडो का विवाह किसी बड़े घर में हो। कर ली ख्वाहिश पूरी, देख लिया नतीजा। अरे ये क्यों भूल गई नवजोत कि बड़े घरों के दुश्मन भी बड़े होते हैं। किसी बड़े दुश्मन ने उजाड़ दिया हमारी बेटी का सुहाग, उजाड़ दिया। चन्ने, क्या कर, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं तेजी, कुछ तुम्हारी पीठ में कुछ है? कुछ नहीं है। क्या? रब्बा, ये क्या किया तुमने? अकलपन की भी हुई हद होती है। कुछ नहीं तेजी, तू जाया से। तुम भी ना? बैठो बैठो। मैंने कहा बैठो, बैठो जनरल। तू जा यहां से। ये सब करने की क्या जरूरत थी? कुलदीप को ना बचा पाने की सजा दी मैंने अपने आप को। चन्ने, कुलदीप के साथ जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल तो सकते नहीं है, लेकिन इस तरह अपने आप को दोष देना बंद करो प्लीज। जिसने भी हमसे हमारे कुलदीप को छीना है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तुम देख लेना। मैंने ना हीर की आंखों में एक जुनून देखा है जनरल, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो लड़की उस खूनी को पाताल से ढूंढ के लाएगी, उसे उसे फांसी पे जरूर चढ़ाएगी। वो मनुष्य लड़की जो कुलदीप के मरने की सबसे बड़ी वजह है, वो पहुंचाएगी फांसी के फंदे तक। हुआ क्या है तुम्हें जनरल? किस बेसिस पे तुम हीर को कुलदीप की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हो? किया क्या है उसने? अगर ये शादी ना हुई होती ना तो मेरा भाई यहाँ होता मेरे पास आज, और अगर अगली बार तूने उसकी तरफदारी की ना तो मैं ही समझूंगा कि तू मेरे भाई की कातिल की वकालत कर रही है। मैं चाहे किसी की भी वकालत करूं, मुझ पर हुक्म चलाने वाले तुम होते कौन हो? पति हूं मैं तेरा, और मेरी बात मानना तेरा फर्ज। वही तो, सिर्फ पति हो, परमेश्वर बनने की भूल मत करना।
इस पति की कीमत तुझे तब पता चलेगी जब ये खुद अपने हाथों से तुझे इस घर से बाहर निकालेगा। क्या कहा तुमने? अरे तुम जैसे आदमी के साथ रहने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। इस घर में रुकी हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। एक बात कान खोल के सुन लो चन्ने, मेरे साथ ज्यादती करने से पहले 10 बार सोच लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर अपने बच्चों का मुंह तक ना देख पाओ मेरी वजह से। और रही बात हीर की, तो कम से कम इस बात की इज्जत रखो कि तुम्हारा भाई कुलदीप हीर से सच्चा प्यार करता था। लड़कियां अपने परिवार से दूर होती है तो सिर्फ प्यार के लिए, और हीर को तो अपने परिवार से दूर होने के बाद भी प्यार नहीं मिला। और जिंदगी में प्यार ना मिल पाने का दर्द क्या होता है, उसकी तड़प क्या होती है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। सही कह रही हूं ना अटवाल साहब? हीर जी को फोन लगाऊं आखिर हीर जी के नए बने रिश्तों ने मुझसे दोस्ती का हक तक छीन लिया है। लेकिन दिल ने जो उनके लिए फिक्र है उसका क्या करूं मैं? पता नहीं कैसे हाल में होंगी वो। करिश्मा दिखाओ पापा जी, कोई तो जरिया पैदा करो जिससे मैं हीर जी के करीब जा सकूं, उन पर नजर रखने के लिए उनके पास जा सकूं। कोई तो रास्ता दिखाओ। चाची को रोते हुए देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। तो फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनका मूड ठीक हो जाए। दादी दादी। हाँ पुत्र। मत रो दादी। पहले हम ही रो रहे थे लेकिन बाद में मम्मा ने हमको समझाया। क्या समझाया बुद्धि? बोलो। कुलदीप चाचू आप दोनों के फेवरेट थे ना, जैसे वो आप दोनों के फेवरेट थे ऐसे वो रब के भी फेवरेट बन गए। इसलिए रब ने ना उन्हें अपने पास बुला लिया। पर उदास होने की बात नहीं है, ऐसे रोते नहीं है। कुलदीप चाचू आप दोनों के लिए कितनी प्यारी चाची छोड़कर गए। आप ये फैक्ट्री चाचू के लिए बनाने वाली थी ना? हाँ पुत्र, लेकिन चाचू तो चले गए ना। लेकिन चाचू हमारे लिए इतनी अच्छी चाची छोड़कर गए हैं, तो आप ये फैक्ट्री चाची के लिए बना देना। नीचे उतर। खबरदार जो उस लड़की का नाम मेरे सामने लिया तो ये बताती हूँ। कुलदीप अटवाल रहा ही नहीं तो फैक्ट्री किस बात की? सब खत्म, सब बर्बाद, कुछ नहीं।
दीजिए, क्या कर रही हैं आप? इस घर में किसी के भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, कोई दिखना नहीं मुझे। मम्मा, दादी ने हमें क्यों डांटा? नहीं सनी, दादी तो तुम दोनों को कितना प्यार करती हैं। दादी थोड़ी परेशान है ना। हम एक काम करते हैं, हम कमरे में चलते हैं और वहां जाके बोर्ड गेम्स खेलेंगे। दीदी, इसे मेरे पास रहने दीजिए, मैं ध्यान रखूंगी इसका। आजा सनी, आजा। तुम्हारे जाने के बाद ये घर बिखर गया है, लेकिन मेरा वादा है तुमसे कि मैं इस घर को बिखरने नहीं दूंगी। एक बार मुझे वो जगह जाके देखनी चाहिए जहां से कुलदीप को गोली लगी थी।